भाजपा को सुजानपुर में वोट न मिलने पर अब बदला बदली का खेल चल रहा है। बेलदार से लेकर चौकीदार तक के छोटे छोटे कर्मचारियों को तबादले के नाम पर तंग किया जा रहा है। ये बात कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। सुजानपुर में भाजपा को मिली हार के बाद आम लोगों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा अब तक 34 मेडिकल कॉलेज लगाए गए हैं। उस पैटर्न पर अगर किसी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं तो वह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में छोटे वर्ग के लोगों को तंग किया जा रहा है। वोट किसको देना है ये व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नौकरशाही पर कोई फर्क नहीं, अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। शिकायत के बावजूद अधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएच के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उनको आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह से कहा गया है कि बेलगाम अधिकारियों पर लगाम कसें। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में स्वीकृत कामों को लटकाया जा रहा है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 डॉक्टरों के पद खाली पड़े थे। इस बारे में सीएम व स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया है। सुजानपुर के लिए 2 डॉक्टर भेज दिए गए हैं। सरकार ने मांग को गंभीरता से लिया, सरकार शेष डॉक्टरों को भी शीघ्र भेजे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में 2 डायलिसिस मशीनें दान भी की गई हैं, लेकिन इनके लिए सरकार टेक्नीशियन तक नहीं दे पाई। सरकार ने 6 माह में सुजानपुर में कोई नया काम शुरू नहीं किया। भाजपा को 2019 में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर खुशहाल जगोता व जोगिंदर ठाकुर भी मौजूद रहे। ऐसे ऐसे लोगों को ट्रांसफर किया, बाकी ट्रांसफर होती हैं, सरकारें बदली जाती हैं, कुछ ट्रांसफर होती हैं, नॉर्मल होती हैं, परंतु इस लेवल तक जाते हुए मैंने सरकार बदली तो मैंने पहली बार देखी कि कमजोर से कमजोर तबके वाले लोगों को भी प्रताड़ित किया और उन लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने जो है वो बीजेपी को वोट नहीं डाला। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वोट देना किसको देना ये व्यक्तिगत अधिकार है। दूसरा एक विषय मैं और कहना चाहता हूं कि खासतौर पर आईपीएच इरिगेशन पब्लिक है, ये संदेश तो पूरे प्रदेश में है कि ब्यूरोक्रेसी पे अधिकारियों पे सरकार की पकड़ जो है वो बहुत कमजोर है। ये विषय तो पूरे प्रदेश में है, परंतु सरकार इससे पहले भी राजा वीर भद्र जी के नेतृत्व में 5 साल चली, अधिकारी काम करते थे और इस बार तो अधिकारी कर्मचारी जो है कई जगह मुझे बेलगाम होते हुए नजर आते हैं। और खासतौर पर आईपीएच विभाग जो है इसकी बहुत सारी शिकायत है। लोगों को हमीरपुर में भी ये शिकायतें मुझे मिली हैं कि जो पानी है वो गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, मिट्टी वाला पानी पिलाया जा रहा है। अधिकारियों को कंप्लेंट करते हैं तो वो लोगों की कंप्लेंट नहीं सुनते हैं।